भविष्य पुराण एक्चुअली इज अ लेटर टेक्स्ट नो डाउट, लेकिन दिस एक्चुअली गिव्स द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द होली फेस्टिवल। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर जो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है, या कि सरप्राइजिंगली जो ये भविष्य पुराण की जो होली की कहानी है, होली की कथा है, दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, नॉट एट दैट इज नो वेयर इवन सिमिलर टू द काइंड ऑफ स्टोरी दैट वी नो अबाउट होली। इसकी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी नो, बट एट द सेम टाइम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से स्टोरी, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस ऑफ दिस फेस्टिवल अक्रॉस। यहाँ पे इसमें ये बताया जाता है कि इस टेक्स्ट में कहानी कुछ ऐसी चलती है कि देर इज अ पर्सन, कि युधिष्ठिर जो ऑब्वियसली जो पांडव युधिष्ठिर है, वो जाके कृष्ण जी से पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि वो जाके कृष्ण जी से पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि फागुन के पूर्णमासी के दिन सारे बच्चे इतने ज्यादा बदमाशी करने लगते हैं और घर घर जाके कुछ जलाते हैं, विच इज अगेन हैज बीन कॉल्ड एज होलका। और फिर वो भी उसको समझ में नहीं आता, वो उससे पूछता है कि इज देर एनी डेटी विच इज वर्शिप्ड एंड व्हाट इज द ओरिजिन्स ऑफ दिस फेस्टिवल। सो दिस इज हाउ एंटायरली यू नो दिस फेस्टिवल, दिस डिस्कशन गोज। अब यहाँ पर तीन बातें बोलनी है। फर्स्टली दिस इज नॉट रिलेटेड, दिस वो जो स्टोरी है, फिर जो पूरी कहानी आती है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी ऑफ हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष या होलिका प्रह्लाद वाली कहानी जो हम कॉमनली जानते हैं, जो हमारे फोकलोर्स में काफी चलती है। ये जो बुक है, या ये जो सबसे तो पुरानी कहानी है, इट हैज लिटरली नथिंग टू डू विद दैट बुक। यहाँ पे क्या होता है कि इस कहानी में सिर्फ इतना रेफरेंसेस आता है। देयर इज अ क्वेश्चन दैट पीपल से दैट होली स्टार्टेड फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, इज दिस ट्रू? एज पर द स्टोरी ऑफ होलिका एंड प्रहलाद, दिस इज ट्रू। बिकॉज जो कहा जाता है कि प्रहलाद ओरिजिनली, जो प्रहलाद का जो एरिया था वो ओरिजिनली मुल्तान वाला ही एरिया था करेंटली, लेकिन द काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेज वी गेट उससे हमें ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बैक कि जो जैमिनी और जो पूर्व मीमांसा सूत्र है जैमिनी का, एज वेल एज द साबरा भाष्य, दोनों ये बात कहते हैं कि होलिका जो सबसे पुराना रेफरेंस है होली का, तो वो दोनों यही कहते हैं कि होलिका फेस्टिवल जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ देर इज नो चांस दैट दे वुड हैव कंसिडर्ड मुल्तान टू बी अ पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, जबकि ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट में चला जाता है मुल्तान। हिस्टोरिकली इट डज नॉट सीम दैट ये वही ये मुल्तान में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन जो किंवदंतियां चलती है या जो हमारे ओरिजिन की स्टोरीज है, उस हिसाब से ये चलता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ होली, या द स्टोरी बिहाइंड होली जो कि भविष्य पुराण में लिखी हुई है, एंड दिस इज माइंड यू दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट स्टोरी दैट हैज बीन मेंशन इन एनी ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हालांकि हम चूंकि हमारी कहानियों में हम जनरली हिरण्यकश्यप की बहन को होलिका कहते हैं और उसी से रिलेट कर देते हैं होली फेस्टिवल को, लेकिन एज पर द पुरानिक लिटरेचर, पुरानिक स्क्रिप्चर्स, जितने भी पुराने रेफरेंसेस मिलते हैं, हिरण्यकश्यप या हिरणाक्ष की बहन का नाम सिंहिका था, होलिका नहीं था। सो दिस इज अगेन मोस्ट प्रोबेबली अ वेरी फोकलोर विच गेन प्रिडोमिनेंस विद गोइंग टाइम, एंड इट हैज नॉट नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल स्टोरी विच वॉज एसोसिएटेड विद होली। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो यहाँ पे वो होता है कि जब युधिष्ठिर पूछता है कि ऐसी वजह क्या होती है, तो फिर कृष्णा जो है वो उसको उस कहानी या उसके बारे में सारी बातें बताते हैं। इसके बारे में सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सबकी काफी साल पहले, दिस इज आई एम एक्चुअली नरेटिंग द स्टोरी ऑफ होली विच इज बीन मेंशन इन भविष्य पुराण। सो कृष्ण टेल्स हिम कि एक बहुत साल पहले, हजार मतलब सहस्रों वर्ष पहले, एक राजा रहा करते थे जिनका नाम रघु था।
तो जो रघु थे वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, उनके राज्य में बहुत अच्छा सब कुछ चलता था, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके उनके राज्य में प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तो उस समय जो उनके सिटीजन्स थे वो वहां पर आए और उन्होंने उसको जाकर के बोला कि राक्षसी ढूंढा वो सारे बच्चों को बहुत ट्रबल कर रही है, स्पेशली द बॉयज, वो हमेशा तंग करती है जिसकी वजह से ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ये बात जब ये रघु को पता चली तो फिर ही वॉज एक्चुअली वेरी सैडेंड एंड एवरीथिंग। तो फिर वहां से जा करके उन्होंने इस विषय में सारे लोगों से पूछा कि कैसे होता है, कि क्या है, और सारे प्रीस्ट वगैरह से कंसल्ट किया। तब जा करके उनको पता चला कि जो ये राक्षसी ढूंढा है वो राक्षस मलिन की बेटी थी। अब राक्षस मलिन जो थे उन्होंने शिव से एक वरदान प्राप्त किया था कि जो उनकी जो बेटी है उसको ना तो कोई इंसान, ना तो कोई भगवान, ना तो कोई जानवर, ना कोई भी नहीं मार सकता है उसको। ना तो डर किसी चीज का उसको डर नहीं होगा, ना तो उसको मतलब कोई शस्त्र शस्त्र मार सकता है, ना तो उसको ठंड से कोई उसकी मौत होगी, ना तो गर्मी से मौत होगी, ना तो रेन से मौत होगी, किसी चीज का उसको भय नहीं होगा। वो हर चीज में हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और उसको मतलब उसको किसी भी चीज नेचुरल डेथ भी उसका नहीं हो सकता है, एवरीथिंग। तो ये जब उसने तो ये शिव जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, कि मतलब ऐसा वरदान तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए उस पर उन्होंने ये दिया कि शिव जी ने वरदान ये दिया कि बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन वो फिर भी ट्रबल की जा सकेंगी अगर जो लड़के हैं छोटी उम्र के, या मतलब टॉडलर्स या चाइल्ड चिल्ड्रन है, वो अगर किसी वजह से थोड़े क्रेजी बिहेव करने लगेंगे तो ये हमेशा उससे घबराएगी। तो ये बात जब पता चली प्रीस्ट को, जब ये बात पता चली रघु को, तो उन्होंने फिर और पूछा कि तो ये काम कैसे किया जा सकता है। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने फिर आगे की बातें बताई। तो उन्होंने बताया कि जब फागुन का महीना जब आता है, आफ्टर कोल्ड सीजन वैनिशेस, तो जितने बच्चे होते हैं वो लोग खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, और फिर एक बड़ा सा मतलब वुड, ग्रास या जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको जमा करके उसको जला देंगे और बक्सुघ्न मंत्र बनाए, मंत्र का जाप करेंगे, क्लैपिंग्स करेंगे, और मतलब एक दूसरे को मतलब बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे को थोड़ा चिढ़ाएंगे, थोड़े ऑब्सीन वर्ड्स भी बोलेंगे, और यू नो मतलब जितना जो थोड़ा एक जिसको कहा जाएगा थोड़ा एक लेम मस्ती करेंगे वैसे करेंगे, और स्पेशली बच्चे ये सारे काम करेंगे, तब ही जो राक्षसी ढूंढा है वो डरेगी और धीरे धीरे करके फिर वो मतलब उसका उसका भय खत्म होगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने इस अगले बार जब ये समय आया तो उन्होंने ये काम किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद ये सेलिब्रेशन किया तो फिर जो राक्षसी ढूंढा थी उसका भय खत्म हो गया। तब राजा जो रघु थे उन्होंने फिर कहा कि यही सेलिब्रेशन हर साल किया जाएगा, और ये सेलिब्रेशन अदादा या होलिका कहलाने लगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब पूर्ण मास के बाद अगला दिन जब आएगा, दैट इज जब चैत्र मास आएगा, तो का पहला दिन आएगा, तो लोग एक दूसरे को जो ये जो बॉन फायर का या जो ये जो जलाया है उन्होंने उसके जितने भी राख मिले हैं वो एक दूसरे को लगाएंगे, और फिर उससे खेलेंगे एक जगह, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का चेहरा को या ये सब चीज को कवर करेंगे, कलर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो इससे जो है इसका सेलिब्रेशन भी होगा। तो ये सारी बातें जब इन्होंने बोली तो उसके बाद से एज पर भविष्य पुराण इस तरह से ये कहानी शुरू होती है।